Hello everyone, this is Vipin Singh here. I am again came back with a new video on our channel Education Hikes. और आज हम क्या कहते हैं जो चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कवर कर रहे थे क्लास 10 ज्योग्राफी का, जिसमें हमने रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के बारे में जाना था, उसका इंट्रोडक्शन हमने कवर किया था, उसका पार्ट फर्स्ट हमारे चैनल पे अपलोड है. और आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को कवर करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे. मैंने उस पर्टिकुलर लास्ट वीडियो में आपको ये बता दिया था कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो दिया गया टॉपिक, वो नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर रहा है फोर बेसिस पे नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासीफाई करके 12 रिसोर्सेज के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है. तो उन्हीं 12 रिसोर्सेज के बारे में और उन्हीं सभी बेसिस के अकॉर्डिंग सभी रिसोर्सेज को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे. तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ठीक, अब देखिए टॉपिक मैंने आपको बता दिया, टुडे का आज का टॉपिक जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई करने की बात कर रहे हैं. ठीक, अब नेचुरल रिसोर्सेज को फोर बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है. अब वो फोर बेसिस कौन कौन से है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओके. सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी कह लीजिए चाहे ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी कह लीजिए, दोनों एक ही है, कन्फ्यूज नहीं होना है. ठीक, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड द फोर्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. ठीक, आपको बता दें कि आप अगर लास्ट ईयर का पेपर उठाएंगे, लास्ट ईयर या लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स उठाएंगे एसएसटी के, तो ज्योग्राफी में ज्योग्राफी से कई बार 3 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं कि डिफाइन और डिस्क्राइब द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओनरशिप, डेवलपमेंट, एग्जॉस्टिबिलिटी. मतलब इनमें से 3 नंबर के क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं. तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा इसमें हमें हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है. बस एक बार सभी रिसोर्सेज को पढ़ लेना है, उनके एग्जाम्पल्स पे फोकस करना है और बस उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है. ठीक है, तो आपको बता दें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन द रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इंटू 2 पार्ट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक. ठीक, द सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी द रिसोर्सेज ऑल्सो क्लासिफाइड इंटू 2 पार्ट्स, द फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल एंड द सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल. एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्सेज आर कैटेगराइज इंटू 4 पार्ट्स, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल. एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज आर कैटेगराइज इन 4 पार्ट, द फोर्थ पार्ट इज पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व. तो मैंने बताया जैसा आप सभी को, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में 4 बेसिस पे रिसोर्सेज को 12 तरीके से डिवाइड किया गया है और इन 12 के 12 रिसोर्सेज के बारे में हम जानेंगे विद एग्जांपल्स. क्योंकि मैंने अभी आपसे बताया कि 3 नंबर का क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, लेकिन अभी रिसेंटली पेपर पैटर्न में चेंजेस आए थे जिसमें आपने एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी देखे थे, फिल इन द ब्लैंक्स भी आपने देखे थे, तो उसका वेटेज इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी ज्यादा रहेगा. उसमें आपसे ऐसे पूछ सकता है कि चलिए बताइए सॉइल किस पर्टिकुलर रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है, तो आपको बताना होगा. ठीक, कि सॉइल क्या कहते हैं आपके एबायोटिक रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है. ऑप्शन में दे देगा कि बताइए इन चारों फॉलोइंग रिसोर्सेज में से सॉइल किसका एग्जाम्पल है, तो आपको बताना होगा. तो जब तक आप हर एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं रिसोर्सेज के डिफिनेशन को नहीं कवर करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स को नहीं जानेंगे, तो आप कैपेबल नहीं होंगे, एबल नहीं होंगे इन प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में. ठीक, तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन को कवर करते हैं. उसके बाद और भी जितने भी आपके ये टाइप ऑफ रिसोर्सेज हैं सभी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे. तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे. ओके, तो देखिए इंट्रो तो मैंने आपको दे ही दिया कि आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स कवर करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. और इस पर्टिकुलर टॉपिक में आज हम जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ठीक है, मैंने बताया क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में चार बेसिस पे रिसोर्सेज को 12 पार्ट्स में डिवाइड करके अच्छी तरीके से कवर किया गया. ठीक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में जो पहला बेसिस है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में आपके रिसोर्सेज 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बायोटिक रिसोर्सेज और दूसरा होता है आपका एबायोटिक रिसोर्सेज. ठीक है, तो बायोटिक रिसोर्सेज किसे कहते हैं और एबायोटिक रिसोर्सेज किसे कहते हैं, आइए हम इन दोनों को जानते हैं विद एग्जांपल्स. एग्जांपल्स को याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एमसीक्यू टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपसे डायरेक्ट एग्जांपल के बेसिस से ये पूछ लेता हूं कि बताओ ये कौन सा रिसोर्स है. जैसे वो दे देगा क्या कहते हैं शहद, ठीक है, हनी कौन सा रिसोर्स है बताओ, कि इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो आपका शहद है वो किस टाइप का रिसोर्स है, तो आपको बताना होगा. ठीक, तो चलिए पहले इसे कवर करते हैं, उसके बाद मैं ये भी बता दूंगा कि शहद किस प्रकार का रिसोर्स है. ठीक,
अगर हम वो तो हमारी जरूरत को पूरा करता है, हमारी जरूरत को पूरा करता है तो रिसोर्स है, नहीं कर रहा है तो नहीं है ठीक। लेकिन हम मानते हैं कि वो किस प्रकार का रिसोर्स है, वो आगे कवर करेंगे। तो आइए जानते हैं पहले इसको ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में रिसोर्सेज टू टाइप के होते हैं, एक बायोटिक एक एबायोटिक। बायोटिक क्या होता है? ऑल दोस थिंग विच वी ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बींग्स टू सेटिस्फाई अवर नीड आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। हर ऐसा रिसोर्सेज जो हम लिविंग बींग से ऑब्टेन करते हैं और वो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कहलाएंगे बायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरा फना लिव स्टॉक वगैरह वगैरह, फ्रूट्स वगैरह हो गए आपके, आप कह सकते हो क्या कहते हैं मीट मिल्क एग बहुत सारी चीज वूल बहुत सारी चीजें हैं। हनी हनी इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज ठीक है, बता दिया मैंने ठीक। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है। बायोटिक रिसोर्सेज का मतलब होता है कि ऐसे रिसोर्सेज जो हमें लिविंग बींग से मिल रहे हैं और हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं वो कहलाएंगे आपके बायोटिक रिसोर्सेज ठीक। और ए बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऑल दोज रिसोर्सेज विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स आर नोन एज ए बायोटिक रिसोर्सेज। जस्ट अपोजिट, एबायोटिक रिसोर्सेज का मतलब होता है कि ऐसे रिसोर्सेज जो हम नॉन लिविंग बींग से ऑब्टेन कर रहे हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो कहलाते हैं आपके एबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल आपकी सनलाइट वाटर एयर सॉइल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एबायोटिक रिसोर्सेज। तो आई होप आपको ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन समझ में आ गया हो। एक और चीज से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ऐसे रिसोर्सेज जो हमें बायोस्फीयर से मिल रहे हैं हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं वो कहलाते हैं बायोटिक, और ऐसे रिसोर्सेज जो हमें लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर से मिल रहे हैं, मोस्टली सब नहीं कहा जा सकता क्योंकि हाइड्रोस्फीयर वगैरह से हमें मछलियां भी मिलती हैं और मछलियां क्या कहते हैं बायोटिक होती हैं, एबायोटिक नहीं ठीक है। तो ये अलग तरीके से डिफाइन करने का तरीका था, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं अगर हमें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करना होगा एलिब्रेट तब यूज करते हैं, अदरवाइज इतना वर्ड लिमिट बहुत है। जब शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं, लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछेगा तो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज टॉपिक आएगा, और शॉर्ट टाइप आएगा तो पूछेगा कि डिफाइन रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ठीक। तो ये वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा है ठीक है आपके शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बायोटिक एबायोटिक आप यहाँ याद रखिएगा कि हर वो रिसोर्सेज जो हमें लिविंग बींग से मिल रहे हैं हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं वो कहलाएंगे बायोटिक, और हर वो रिसोर्सेज जो हमें नॉन लिविंग थिंग से मिल रहे हैं और हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं वो कहलाएंगे एबायोटिक ठीक। दोनों के एग्जाम्पल्स लिखे हैं, नोट कर लीजिए, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अभी इसके लास्ट टॉपिक में हमने कवर किया था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन को, अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी को कवर करेंगे। इसको चाहे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी कह लीजिए, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ वल्नरेबिलिटी कह लीजिए ठीक है। वो अभी क्या है, ये दोनों में क्या है मैं अभी ये भी बता देता हूँ ठीक है। पहले आइए थोड़ा सा जानते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी या ऑन द बेसिस ऑफ वल्नरेबिलिटी रिसोर्सेज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, द फर्स्ट वन इज renewable resources and the second one is non-renewable resources ठीक है। अब renewable resources को non-exhaustible resources भी कहा जाता है। renewable resources को non-exhaustible resources क्यों कहा जाता है? क्योंकि renewable resources ऐसे resources होते हैं जिनको दोबारा use में लाया जा सकता है, जिनको recycle किया जा सकता है ठीक, इसीलिए इसको non-exhaustible resources भी कहते हैं। बताने का यहाँ पे ये मतलब है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको एक बार यूज अगर हमने कर लिया तो ऐसा नहीं कि वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गए हैं ठीक है, वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट नहीं होते हैं ठीक है, उनको हम दोबारा रिसाइकिल और रियूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई द रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज ठीक है। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? ऑल दोज थिंग विच वी रिसाइकिल एंड रिप्रोड्यूस बाई फिजिकल केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। फिजिकल केमिकल और मैकेनिकल इन तीनों प्रोसेस की मदद से जिस भी रिसोर्सेज को हम दोबारा यूज में ला सकें अपने दोबारा इस्तेमाल में ला सकें वो सारे रिसोर्सेज हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हाइड्रो पावर विंड पावर सोलर पावर जियो थर्मल एनर्जी एक्सेट्रा, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है। क्यों? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ऐसे रिसोर्सेज आते हैं जिनको अगर एक बार हमने यूज कर लिया तो फिर वो दोबारा यूज करने लायक नहीं रहते हैं, मीन्स आप कह सकते हो फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जैसे बाइक में हमने पेट्रोल डाला और हमने बाइक चलाई
तो बर्निंग गैसेस के थ्रू वो रिलीज हो जाता है। क्या पेट्रोल बाइक में हमारे बचता है कि हम उसको दोबारा यूज में ला सकें? बिल्कुल भी नहीं। तो इस प्रकार के रिसोर्सेज आपके एग्जॉस्टिबल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक, ये देखो लिखा गया है इसमें डिफिनेशन में, ऑल दोस थिंग विच वी कैनॉट रीयूज एंड रीप्रोड्यूस बाई एनी प्रोसेस। हर वो ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम ना तो कभी दोबारा यूज में ला सकते हैं ना ही दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस से, फिजिकल केमिकल या मैकेनिकल किसी भी प्रोसेस से इसको यूज में ना हम ला सकते हैं दोबारा और ना ही रिसाइकिल कर सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज हमारे नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं, और आप इसको एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी कह लेते हो। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इन रिसोर्सेज को अगर एक बार यूज कर लिया तो दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, these all are good example of non renewable resources. Non renewable resources की ये सब good examples हैं। ठीक है, तो I hope on the basis of exhaustibility या on the basis of renewability आपको समझ में आ गया हो। आप कंफ्यूज मत होइएगा, on the basis of exhaustibility पूछेगा या on the basis of renewability पूछेगा तब भी आप बता लेंगे, या आपसे renewable non renewable resources पूछेगा या non exhaustible और exhaustible resources पूछेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। non renewable resources आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपका एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपका नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप को हम कवर करते हैं, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए लास्ट टॉपिक्स में हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलायबिलिटी को कवर किया, अब हम कवर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में हमने बायोटिक एबायोटिक रिसोर्सेज को विद एग्जांपल कवर किया। ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी कह लीजिए, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी कह लीजिए, हमने रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कवर किया विद देयर एग्जांपल्स। और इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कवर करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप द रिसोर्सेज आर कैटेगराइज्ड इनटू फोर पार्ट्स, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इस स्लाइड में हम केवल इंडिविजुअल और कम्युनिटी रिसोर्सेज कवर करेंगे, जो अपकमिंग स्लाइड है उसमें नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज को जानेंगे। ठीक, तो चलो देखते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या है। ऑल दोस रिसोर्सेज विच आर ओन बाई एन इंडिविजुअल एंड कैनॉट बी एक्सेस बाई समवन एल्स। यहाँ पे लिखा है, ये कह रहा है कि ऐसे रिसोर्सेज जिसपे केवल एक ही पर्सन का हक हो और वो वही पर्सन उस पर्टिकुलर चीज से अपनी जरूरतें पूरा कर रहा हो। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि सपोज करिए एक पीस ऑफ लैंड है, एक पीस ऑफ लैंड है और उस पीस ऑफ लैंड पे जिस पर्सन का हक है वो पीस ऑफ लैंड उसी पर्सन के जरूरतों को पूरा कर रही है, किसी और के यूज में नहीं आ रही है। और जाहिर सी बात है किसी और के यूज में आएगी भी तो क्यों, क्योंकि और किसी का हक थोड़ी ना है उस पर। उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे जिस व्यक्ति का हक है वही तो उसे यूज करेगा, वो पीस ऑफ लैंड उसी व्यक्ति के लिए रिसोर्सेस कहलाएगी जिसका उस पर हक है। कोई किसी और का कोई अधिकार ही नहीं बनता कि कोई उसको यूज कर सके। ठीक है, तो याद रखिए कि ऐसी पर्टिकुलर चीजें कहलाती हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ऐसी पर्टिकुलर चीज आपकी क्या कहलाती है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जिस पर किसी एक व्यक्ति का या उसके परिवार का हक हो और वो चीज उस व्यक्ति और उस परिवार के सदस्यों की जरूरतों को पूरा कर रही हो, तो इस प्रकार के चीजों को हम कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज और प्राइवेट रिसोर्सेज। ठीक है, ओके, अब चलते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज पे। कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या है, ऑल दोस रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड सेटिस्फाइड नीड ऑफ दोस पीपल हु लिव अराउंड देम। कम्युनिटी रिसोर्सेज में आपके ऐसे रिसोर्सेज आ जाते हैं जिन पर आपके सरकार का हक होता है, और ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो मतलब जिन पर किसी एक व्यक्ति का मालिकाना हक नहीं होता है, इस पर सरकार का हक होता है, और ऐसे रिसोर्सेज उन सभी व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करते हैं जहां पर भी ये मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पार्क, देखिए पार्क पर किसी एक व्यक्ति का हक होता है नहीं, पार्क पे मोस्टली पार्क्स पे आपके गवर्नमेंट का हक होता है, और पार्क्स के अगल बगल नेबरिंग प्लेसेस में जितने भी सोसाइटी के लोग रहते हैं सभी की जरूरतें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो पार्क से पूरी होती है। तो क्या पार्क को आप इंडिविजुअल रिसोर्सेस कह दोगे? बिल्कुल भी नहीं, पार्क को यहाँ पे कम्युनिटी रिसोर्सेस कहा जाएगा। ठीक, क्योंकि वो उस पर गवर्नमेंट का हक है और वो उन सभी व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा कर रही है जो लोग उसके आसपास रहते हैं। ठीक, तो आई होप आपको इंडिविजुअल रिसोर्सेज और कम्युनिटी रिसोर्सेज समझ में आ गया हो। इंडिविजुअल रिसोर्सेज को प्राइवेट रिसोर्स कहते हैं और कम्युनिटी रिसोर्सेज को पब्लिक रिसोर्सेज भी कहा जाता है। ठीक,
तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गया हो। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में तीसरा नेशनल और चौथा इंटरनेशनल हम लोग अपने अपकमिंग स्लाइड में कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में हमने इंडिविजुअल रिसोर्सेज को और कम्युनिटी रिसोर्सेज को ऑलरेडी कवर कर लिया, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप मैंने बताया था रिसोर्सेज चार प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो आइए नेशनल इंटरनेशनल रिसोर्सेज को कवर करते हैं, ठीक। नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? अब देखो, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज दोनों में कुछ सिमिलरिटीज भी हैं और कुछ डिससिमिलरिटीज भी हैं, दोनों को जानेंगे। पहले नेशनल रिसोर्सेज कवर कर लें और इंटरनेशनल रिसोर्सेज कवर कर लें तब, ठीक। नेशनल रिसोर्सेज का मतलब क्या? ऐसे हर वो रिसोर्सेज जिसका इंपॉर्टेंट होता है किसी पर्टिकुलर कंट्री के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ऐसे हर वो रिसोर्सेज जिसका अपना इंपॉर्टेंट होता है कंट्री के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वो रिसोर्सेज आपके नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। और ये रिसोर्सेज आपके कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर और आपका कंट्री का जो कोस्टल लाइन है यानी कि जो समुद्र किनारा है, उस समुद्र के किनारे से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक मीन्स 22.2 किलोमीटर ओशनिक फ्लोर तक जो भी रिसोर्सेज मिलेंगे वो आपके कैसे रिसोर्सेज होंगे? नेशनल रिसोर्सेज होंगे, ठीक। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेशनल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि ऐसे रिसोर्सेज जो किसी कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर पाए जाते हों या कंट्री का जो कोस्टल लाइन है उस कोस्टल लाइन से 12 नॉटिकल माइल मीन्स 22.2 किलोमीटर ओशनिक फ्लोर तक पाए जाते हों। ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनका अपना एक इंपॉर्टेंट होता है जो कंट्री के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होते हैं। जैसे सपोज करिए अभी आपका कोई पीस ऑफ लैंड है जिसपे आपका मालिकाना हक है और उस पीस ऑफ लैंड पे मिनरल मिलने लगे, ऑयल मिलने लगे या कुछ ऐसी चीजें मिलने लगे जो कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी हो, तो गवर्नमेंट के पास एक पावर होती है कि ये तुरंत ही उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को एक्वायर कर ले, क्योंकि वो रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल माइल्स का मतलब जैसे हम लोग लैंड एरियाज पर जब डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसकी मेजरिंग यूनिट क्या होती है? किलोमीटर। वैसे ही जब हम क्या कहते हैं वाटर एरियाज में, ठीक है, वाटर डिस्टेंस को कवर करते हैं तो हम उसको नॉटिकल माइल्स में मेजर करते हैं, ठीक। आपको ये याद होना चाहिए कि नेशनल रिसोर्सेज क्या है, और ये 12 नॉटिकल माइल तो बिल्कुल याद रख लेना। आपसे पूछा जा सकता है कि 12 नॉटिकल माइल क्या है, तो याद रखना ये नेशनल रिसोर्सेज के अंदर हमने इसकी बात की थी, तो मतलब नेशनल रिसोर्सेज की चर्चा हो रही है, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड थिंग आपको बता दें, इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिन पे किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का हक नहीं होता है। ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिस पे आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का हक होता है, उन्हीं के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो इन रिसोर्सेज को अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट करे। सेकेंड थिंग, आपके इंटरनेशनल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी पाए जाते हो। सेकेंड थिंग, ओशनिक फ्लोर में ये 200 नॉटिकल माइल्स तक पाए जाते हैं। जैसा आपको पता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसको तीन साइड से वाटर ने घेर रखा है, ठीक। अब हमारे कोस्टल लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक जो भी रिसोर्सेज पाए जाएंगे वो हमारे नेशनल रिसोर्सेज होंगे और उन रिसोर्सेज को बिना किसी परमिशन के हम यूज कर सकते हैं, ठीक। ये अथॉरिटी हमारी गवर्नमेंट के पास है। लेकिन जैसे ही 12 नॉटिकल माइल के अबव वो डिस्टेंस आपका जाएगा तो वो कैसे रिसोर्सेज हो जाएंगे? वो रिसोर्सेज आपके इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो जाएंगे। फिर वो 200 नॉटिकल माइल्स तक आपके इंटरनेशनल रिसोर्सेज होंगे और आप या कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसे यूज नहीं कर सकती है। क्यों? विदाउट द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के परमिशन के हम उन रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल रिसोर्सेज को जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन आपका रेगुलेट करता है वो है इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल। इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल ही एक ऑथराइज्ड बॉडी है जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज को रेगुलेट करती है। विदाउट इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल के परमिशन के कोई भी सिंगल कंट्री इन रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकती। ये रिसोर्सेज भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जितने हमारे नेशनल रिसोर्सेज हैं। उन रिसोर्सेज का यूज भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होता है, इन रिसोर्सेज का भी यूज कंट्री के डेवलपमेंट पर्पस के लिए ही होता है, ठीक। अब यहां पे एक चीज आप याद रखिए, 200 जो नॉटिकल माइल्स है इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं।
ये आपको याद रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में या एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है। तो याद रखना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जो 200 नॉटिकल माइल्स तक लगता हो। ठीक, तो आई होप नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज ये दोनों आपको समझ में आ गया हो। एक बार मैं फिर से दोनों को डिफरेंशिएट कर देता हूं ताकि ये और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। नेशनल रिसोर्सेज का मतलब ऐसा रिसोर्सेज जो हमारी कंट्री के टेरिटरी के अंदर, हमारी कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर या हमारे कोस्टल लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक पाए जा रहे हों और ये कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और इनपे केवल किसका हक होता है? गवर्नमेंट का हक होता है और गवर्नमेंट इस प्रकार के रिसोर्सेज को कंट्री के डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज में लाती है। ठीक, अब हम चलते हैं इंटरनेशनल पे। इंटरनेशनल रिसोर्सेज भी ऐसे ही रिसोर्सेज होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के डेवलपमेंट पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यहां पर किसी एक कंट्री का हक नहीं होता है। ऐसे रिसोर्सेज को आपके इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल जो कि एक इंटरनेशनल अथॉरिटी है वही रेगुलेट करती है और ये रिसोर्सेज आपके 200 नॉटिकल माइल ओशनिक फ्लोर तक पाए जाते हैं और 200 नॉटिकल माइल्स ओशनिक फ्लोर को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। ठीक, अब हम चलते हैं अपने फोर्थ बेसिस पर जो कि लास्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज का लास्ट बेसिस है, वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आइए जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्या है। देखिए, हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में हमने रिसोर्सेज को क्लासिफाई करके ये जाना था कि रिसोर्सेज 4 टाइप्स के होते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। आई होप आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, अभी चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या? ठीक, जिसको पता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में पता है। ठीक, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किस पर्टिकुलर रिसोर्स से रिलेटेड है। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखना, एग्जामिनेशन में जो एमसीक्यू आएंगे ना वैसे घुमा के आते हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट होता है, स्टोरी भी होता है, कॉन्सेप्चुअल भी होता है, अच्छा नंबर हम बना सकते हैं लेकिन आपको हर चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या, कमेंट सेक्शन बताइए और ये भी बताइए कि रिसोर्सेज से वो रिलेट करता है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में चौथे बेसिस पे और आ जाए ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट को जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में भी आपके रिसोर्सेज 4 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, इसके बाद दो और है, एक आपका स्टॉक और एक आपका रिजर्व। तो पहले आगे पोटेंशियल और डेवलप को कवर करते हैं, इसके बाद स्टॉक और रिजर्व को जानेंगे। ठीक, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज कैसे होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोस टाइप ऑफ रिसोर्सेज व्हिच फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन हैव पोटेंशियल टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड बट एट प्रेजेंट टाइम नॉट बीइंग डेवलप्ड प्रॉपर्ली। पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल होती है हमारी जरूरतों को पूरा करने की और ये केवल कुछ ही पर्टिकुलर एरियाज में पाए जाते हैं, सभी जगहों पर नहीं। ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो केवल कुछ ही पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हो और इनके अंदर अच्छा खासा कैपेसिटी, पोटेंशियल है, कैपेसिटी है कि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी इनके डेवलपमेंट पे कोई भी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं चल रहा। मतलब इनका डेवलपमेंट हुआ है लेकिन प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ। जैसे आप सबको पता कि सोलर पैनल, विंड पावर, ये सब कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको अगर हम डेवलप कर देंगे तो हमारी हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करने में कैपेबल है, लेकिन क्या प्रॉपर तरीके से इनका डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक, तो याद रखना पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनमें अच्छी खासी कैपेबिलिटी होती है, अच्छी खासा पोटेंशियल होता है हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इनके डेवलपमेंट पे कोई वर्क नहीं हो रहा है। मीन्स इनके डेवलपमेंट में कोई प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं होगा। जैसे एग्जांपल आपको दे दें, आपको पता है गुजरात एक ऐसा पर्टिकुलर स्टेट है जहां पे सोलर पैनल का सेटअप अच्छा किया जा सकता है, राजस्थान एक ऐसा पर्टिकुलर स्टेट है जहां पे विंड पावर को अच्छे से एस्टेब्लिश किया जा सकता है, अच्छे से डेवलप किया जा सकता है, हमें ये पता है, लेकिन फिर भी अभी इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट पे कोई प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा। ठीक, तो हमने रख दिया है कि जब आने वाले समय में हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी तब हम इस पे प्रॉपर तरीके से डेवलप करेंगे। ठीक, तो आई होप पोटेंशियल रिसोर्स आपको समझ आ गया हो। चलते हैं नेक्स्ट डेवलप रिसोर्स पे।
Developed resources are those resources which are surveyed and their quality and quantity has been determined for utilization. Developed resources ऐसे resources होते हैं जिनको हमने survey कर लिया, survey हमने कर लिया, हमने survey करके पता कर लिया इसकी quality क्या है और इसकी quantity क्या है और present time में इन resources को use भी किया जा रहा है. लार्ज अमाउंट में नहीं कह सकते हैं लेकिन थोड़े बहुत अमाउंट में प्रेजेंट टाइम में डेवलप रिसोर्सेज को थोड़ा बहुत यूज भी किया जा रहा है. ठीक, तो याद रखना डेवलप रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हमने सर्वे कर लिया है, जिसकी क्वालिटी क्वांटिटी इन दोनों में पता है और प्रेजेंट टाइम में इसका थोड़ा बहुत यूज भी हो रहा है. ठीक, और पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हों, इनमें अच्छी खासी पोटेंशियल होती है हमारी जरूरतों को पूरा करने की लेकिन प्रेजेंट टाइम में इनके डेवलपमेंट में कोई प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा और इनकी क्वालिटी क्वांटिटी भी अननोन होती है. तो आई होप आप लोगों को ये दोनों रिसोर्सेज समझ में आ गया हो. अब चलिए हम जानते हैं स्टॉक और रिजर्व के बारे में. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में हमने पोटेंशियल रिसोर्स को और डेवलप्ड रिसोर्स को कवर किया और अब हम कवर करने चल रहे हैं स्टॉक को और रिजर्व को. तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट चार रिसोर्स थे, पोटेंशियल डेवलप कवर हो चुके हैं, अब स्टॉक और रिजर्व कवर करते हैं. तो आइए जानते हैं स्टॉक क्या है. स्टॉक क्या है, देखिए ऑल दोस थिंग इन एनवायरनमेंट व्हिच हैव द पोटेंशियल टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट वी हैव नॉट एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस. ये कह रहा है कि ऐसे हर रिसोर्सेज जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और उनमें अच्छी खासी कैपेबिलिटी है कि वो हमारे नीड्स को सैटिस्फाई कर सकते हैं लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि उनको हम एक्सेसिबल बना सकें या यूटिलाइजेशन में ला सकें. फॉर एग्जाम्पल हमें ये पता है कि हम वाटर्स को बना सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड्स को दोनों को आपस में हम कोलाइड करके वाटर्स को बना सकते हैं लेकिन अभी वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है कि ये पॉसिबल किया जा सके. ठीक, सेकेंड नाइन्थ आपका रिजर्व क्या है. रिजर्व भी स्टॉक के ही तरह है. क्या है देखते हैं. इट इज अ सबसेट ऑफ स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ existing technical know-how but their use has not been started. ठीक है, reserve में आपके ऐसे resources आते हैं जो हमें पता है कि इस resources को इस technology की मदद से या इस know-how की मदद से हम अपने use में ला सकते हैं लेकिन फिलहाल तो अभी उसके utilization पे हम कोई भी work नहीं कर रहे हैं. अब यहाँ पे आप confused होंगे कि ये know-how क्या है. तो आपको बता दें know-how का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो किसी सबको नहीं पता होती, किसी किसी को पता होती. तो ये उसका क्या होगा, ये उसका नो हाउ हुआ. इट इज अ टाइप ऑफ इनटेंजिबल एसेट हमारे कॉमर्स में कहते हैं. ठीक है, तो आप लोग याद रखना स्टॉक और रिजर्व ये है. आई होप आपको स्टॉक और रिजर्व समझ में आ गया हो. एक बार मैं फिर से बता दूं, स्टॉक में आपके ऐसे रिसोर्सेज आते हैं जिनके अंदर अच्छी खासी पोटेंशियल होती है हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने की लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि उनको हम यूटिलाइजेशन में ला सके. ठीक, रिजर्व, रिजर्व में आपके ऐसे रिसोर्सेज आते हैं जिनको हम यूज में ला सकते हैं नो किसी ना किसी नो हाउ की मदद से, ये हमें पता है लेकिन अभी उसके यूटिलाइजेशन का जो वर्क है वो हमने स्टार्ट नहीं किया. तो देखिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमने पूरा कवर कर लिया. चारों बेसिस पे हमने 12 के 12 रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से जाना. ठीक, आप लोग पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए. एक और चीज आपसे कहना था, एग्जांपल्स पे ज्यादा फोकस करिए, डिस्कशंस पढ़िए, एग्जांपल्स पे ज्यादा फोकस करिए क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस में एग्जांपल्स से रिलेट करके क्वेश्चंस पूछ लिया करता है. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पूरी तरीके से कवर हो गया है. किसी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन करिएगा. ठीक, और वीडियो को अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी हार्ड वर्क करने का. मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ अपने इसी चैनल एजुकेशन हाइक पे. तब तक आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाय.